एक डिवोटी लड़का था, वेस्टर्नर अमेरिकन। उसने घर छोड़ दिया क्योंकि वहां तकरीबन लोग 18-19 साल के होते हैं तो बच्चे घर छोड़ देते हैं, अपना कमाते हैं, अपना रहते हैं। तो वो घर से चला गया था और नौकरी करते हुए वो डिवोटी बन गया, भगवान का भक्त बन गया, इस्कॉन में आ गया, सारे नियम फॉलो करने लगा। एक डिवोटी लड़की से शादी भी हो गई, दोनों बहुत अच्छे से प्रचार कर रहे थे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, सब कर रहे थे। सो वो लोग दोनों जो है बड़े ही भक्त, अच्छे भक्त बन गए। तो इधर उस लड़के की जो मदर है उनको कैंसर डिटेक्ट हो गया, एंड टर्मिनल कैंसर, दैट शी वुड पास अवे विद इन से 3-4 मंथ्स और सो। और उस उनको जब कैंसर का पता चला तो उसके बाद भी इनके पेरेंट्स जो है, इसके फादर जो थे वो बड़े डिप्रेस्ड हो गए कि उनकी अब वाइफ चली जाएंगी, और वो 6 महीने से पहले ही चली गई, तो उनकी मृत्यु हो गई। तो वो जो फादर थे वो बिल्कुल अकेले हो गए। तो उन्होंने अपने बेटे को, जो भक्त डिवोटी था, अमेरिकन डिवोटी है, उनको कहा कि तुम मेरे अपने घर वापस आ जाओ और मेरा इतना बड़ा घर है, तुम मेरे साथ ही रहो। वो दूसरे शहर में रहते थे, तो उन्होंने कहा कि आप मेरे पास वापस लौट आओ। तो और लड़का जब भक्त है, उनको पता था कि वो प्याज लहसुन भी नहीं खाता है, चाय कॉफी भी नहीं पीता है, तो उन्होंने अपने बेटे को परसुएड किया, कन्विंस कर लिया कि ठीक है, जैसे तुम रहना चाहते हो वैसे ही इस घर में सब कुछ होगा। क्योंकि जो वो बुजुर्ग व्यक्ति थे, उसके फादर थे, उन्हें भी कैंसर हो गया था और वो भी अब कुछ ही समय के मेहमान थे। तो उनका मन था कि वो बाकी समय अपने बेटे के साथ बिताए। तो उन्होंने अपने बेटे को कन्विंस कर लिया, बेटा और बहू वहां आ गए, उनके साथ रहने लगे। उनके उस घर में भगवद गीता की, भागवतम की क्लासेस होने लगी, अगरबत्ती जलने लगी, तुलसी महारानी की स्थापना हो गई, श्रील प्रभुपाद की फोटो लग गई, श्रील प्रभुपाद, राधा कृष्ण, सबके पिक्चर्स लग गए, पूरा घर ही का वातावरण बदल गया। और उनके पिता जो थे वो बहुत बीमार रहने लग पड़े। अब हॉस्पिटल ले जाए गए, पर डॉक्टर्स ने कहा कि हॉस्पिटल में अब कुछ नहीं है इनके लिए, आप इनको घर पे ही रखिए और घर पे सेवा कीजिए, और डॉक्टर्स जो हैं टाइम से आते रहेंगे इनको वहीं चेकअप करने, सिर्फ हमें इनको इंजेक्शंस देने हैं कि इनको पेन तकलीफ ना हो। तो अब उनके बेटे ने कहा ठीक है, और उनको घर पे ही उनकी सेवा होने लगी। और जो डॉटर इन लॉ थी वो भोग लगाकर प्रसाद खिलाती थी, उनके बेड के पास में ही उन्होंने एक तरफ श्रील प्रभुपाद की फोटो लगा दी और दूसरी तरफ चैतन्य महाप्रभु की, सबकी पिक्चर्स, राधा कृष्णा की लगा दी, तुलसी महारानी रख दिए, और 24 घंटे वहां पर कीर्तन का एक चिप लगा दिया। 24 घंटे वहां श्रील प्रभुपाद की आवाज में कीर्तन और जपा चलता रहता। तो उन्होंने अपने पिता को भी बोला कि आप भी जप कर लो। तो उन्होंने कहा कि मैं अब बहुत, बिकॉज ही वॉज अ वेस्टर्नर, तो उन्होंने कहा कि मुझे अब पूरा महामंत्र तो ऐसे बोला नहीं जाएगा कंटिन्यूटी में, सो कैन आई जस्ट से कृष्णा। तो उनके बेटे ने कहा ठीक है, आप सिर्फ कृष्णा कृष्णा बोल दिया करो। तो वो सिर्फ कृष्णा कृष्णा ही बोलते थे, लेटे लेटे सिर्फ सांस जब ले रहे हैं, क्योंकि बहुत तकलीफ में थे, तो वो सिर्फ कृष्णा कृष्णा कहते थे। तो डॉक्टर्स जब उनको चेकअप करने आते थे तो वो कहते थे इस व्यक्ति को बहुत दर्द होना चाहिए, ही शुड बी इन लॉट ऑफ पेन यू नो, बट ही सीम्स टू बी वेरी काम एंड कंपोज्ड, ये बहुत ही शांत दिखते हैं, मतलब देखने में लगता नहीं है कि इनको कोई तकलीफ हो रही है अंदर। तो उनकी बहू और बेटा यही मन में करते थे कि हाँ, बिकॉज दिस इज श्रील प्रभुपाद की मर्सी है, ये गुरु की कृपा से हो रहा है। तो एक दिन उनकी बहू अंदर, उनके पास जब भी समय होता था बेटा या बहू बैठ के खुद भी जप करते थे। तो एक दिन बहू जप कर रही थी अंदर, और तभी उसके फादर इन लॉ ने बोला कि आई कैन सी दिस मैन इन द रूम, उन्होंने प्रभुपाद की फोटो की और उंगली की और कहा आई कैन सी दिस मैन इन द रूम। तो उनकी बहू उसी समय समझ गई कि अब जो प्रभुपाद है वो लेने आ गए हैं। तो वो कमरे में से बाहर हो गई, उन्होंने कहा जैसे हमने कल करा था कि जो अंतकाल जो सिमरे अपने संतान में जिनका ध्यान रह जाता है तो उनको सुकर्योनि मिल जाती है। तो वो नहीं चाहती थी कि अंतिम घड़ी में उनका कहीं ध्यान भटके, वो प्रभुपाद को देख रहे हैं तो उनका ध्यान वहीं जाए। तो वो बाहर चली गई, एंड द लाइन दैट वॉज रिटन, दैट रियली आई लव दैट लाइन,
एंड आई रिमेम्बर दैट लाइन सो वेल. उस लाइन में लाइन लिखी उसने कि आई नाउ न्यू दैट ही वॉज इन द बेटर हैंड्स ऑफ श्रीला प्रभुपाद. सो वो कहती है मैं बाहर आ गई, मैंने जितना उनका ध्यान रखना था रख लिया, अपनी अपना ड्यूटी अपना कर्तव्य पूरा कर लिया, और अब जो प्रभुपाद आ गए हैं अब वो आगे का ध्यान रखेंगे उनका. एंड थोड़े समय बाद जब वो रूम में गई तो वो देह त्याग चुके थे. सो इज देयर कि गुरु लेने आते हैं, चाहे गुरु इस धरातल पे भी हो, अंतिम घड़ी में गुरु ही आते हैं.